बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच की रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स पर उन्होंने रेटिंग बढ़ाई है, खरीदारी की राय और लक्ष्य कर दिया है 360 रुपये का। पहले न्यूट्रल रेटिंग थी और अब कर दी है न्यूट्रल से खरीदारी की। और साथ ही टाटा मोटर्स DVR पर भी रेटिंग बढ़ी है और यहाँ पर भी लक्ष्य 234 रुपये का किया। तो दोनों ही स्टॉक पर, इनफैक्ट टाटा मोटर्स और उनके DVR पर काफ़ी एग्रेसिव बाय रिपोर्ट यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच की तरफ से आती है। और यहाँ पर ग्लेनमार्क पर JP Morgan ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है, टारगेट 575 का दे रहा है। उनको मानना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पहले हिस्से में 2014 के यहाँ पर कई बड़े ड्रग्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे और उसी के चलते यहाँ पर जो EPS एस्टिमेट है वो 7% से ज़्यादा बढ़ाया गया है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा ग्लेनमार्क के लिए। ICICI बैंक पर बुलिश है दिग्गज FIICLS है और उनकी खरीदारी की राय है लक्ष्य 1400 रुपये का। और उनका ये मानना है कि जो रिस्की एसेट्स है वहाँ पर ICICI बैंक का एक्सपोजर कम है, ग्रोथ उन्होंने ढंग से मैनेज की और साथ ही क्रेडिट कॉस्ट यानी कि जो पैसा वो उधार देते हैं और बाद में उधार देते हैं उस पर भी उनका पूरा कंट्रोल है। ऐसे में आप खरीद सकते हैं ICICI बैंक, लक्ष्य काफ़ी एग्रेसिव 1400 रुपये के। नोमरा गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी खरीदारी की राय रख रहा है, टारगेट 833 का। हालांकि जो कंपनी का नया एक्विजिशन हुआ है सॉफ्ट एंड जेंटल का, उससे यहाँ पर कोई बदलाव इतना ऑप्टिमिस्टिक होता हुआ नहीं दिखाई दिया कंपनी के परफॉर्मेंस में, लेकिन उनका मानना है कि एक सिग्नल है कि यहाँ से आगे वो अपने UK के बिजनेस को फाइनली हाइव ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, तो अब भी वो खरीदारी के साथ ही रहेंगे।